जहाँ सामने आई है, ये फिरोजपुर से सप्लाई लेके आए थे और नांदेड़ और आदिलाबाद के आसपास में इनको वहाँ पर सप्लाई रख करके आनी थी। आनंद तिवारी और चमन पिलानिया फोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, ये बहुत बड़ी खेप है बारूदों की और ये चार खालिस्तानी एक्टिवेट हो चुके हैं और इनकी सप्लाई लाइंस ये तेलंगाना में जाकर इसको ड्रॉप करने वाले थे। इससे पहले खबर थी कि कुछ इन्होंने डाइवर्ट किया है नांदेड़ साहिब की तरफ, महाराष्ट्र में भी। जी अनंत, देखिए जिस तरह से भारत पाकिस्तान की सीमा है वहां पर ये फिरोजपुर का जो इलाका है वहीं से जो है ये जो जो बड़ी है खेप जो है आतंकवादियों से जो है वो मिली है और इन्होंने पहले भी जो है ये फिरोजपुर से ही जो खेप जो लेके गए थे और नांदेड़ में इन्होंने ड्रॉप की थी। लेकिन आज जो जिस तरह से आईबी की इनपुट के जो है वो आज आईबी ने जो है वो करनाल के आसपास जो है करनाल पुलिस और ने जो है नाका लगाया और उसमें जो है बस्ताड़ा और साझा से जो है सुबह 4 बजे के करीब जो है इन चारों संगीत आतंकवादी है उनको गिरफ्तार किया है और अभी जो थाना मधुबन जो करनाल का जो पुलिस थाना है वहां पर जो है इनके ऊपर जो FIR दर्ज की कर ली गई है। और अगर अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ड्रोन के जरिए जो है वो जो ड्रग्स की जो सप्लाई जो है वो भी आती रहती है और जो आईडी जो है वो भी भेजे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के जो कनेक्शन जो है वो इस सारी घटना में जो सामने आ रहा है और वहीं से जो रिंदा का जो नाम उसमें सामने आ रहा है कि रिंदा जो है लोकेशन इन सब को भेजता था और उसके थ्रू ही जो आगे जो है ये नेटवर्क फैला हुआ था और वो आगे जो है सप्लाई जो है वो जो है अलग अलग शहरों में करते थे। कहीं ना कहीं अब और भी कोई जुड़े और कोई बड़ी और केस कहीं और कहीं पंडाई है, इससे भी जो है पुलिस और जांच कर रही है। और अगर हम बात करें खालिस्तानी तो खालिस्तान का जो इसमें ज्यादातर जो एंगल सामने आ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले खालिस्तानी के जो ऑपरेटर जो है पन्नू उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था कि खालिस्तान में 29 अप्रैल को जो है वो खालिस्तान में झंडे लगाए जाएंगे। तो इस तरह के जो वीडियो है वो काफी पहले भी फैलाए गए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो है भारत की तरफ जो है ये आतंकवादियां जो है वो खड़े थी जो पाकिस्तान जो है फैला रहा है तो इसी के चलते जो है आज एक बड़ी जो कामयाबी जो है वो आईडी को मिली है और इन्हीं आतंकवादियों से जो है इस तरह से आईडी मिला और ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश भी लगती है। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मल्टी स्टेट की यहाँ पर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से इनपुट्स आए थे लेकिन मल्टी स्टेट की टास्क फोर्स है, अलग अलग राज्यों की टास्क फोर्स साथ में मिलकर काम कर रही है। ये दिल्ली से आदिलाबाद की तरफ जाने वाले थे लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये मंशा ये थी कि कुछ सेंसिटिव इलाकों को सेंसिटिव एरियाज में जाकर बम विस्फोट किए जाएं? अगर नांदेड़ साहिब यानी नांदेड़ महाराष्ट्र की बात होती है, तेलंगाना में आदिलाबाद की बात होती है, हैदराबाद के आसपास का एरिया इलाका है ये, तो जानबूझकर हमारे देश के अंदर अलगाववाद फैलाने के लिए कोशिश की जाए, आतंक फैलाने की कोशिश की जाए और अलग अलग समुदायों के बीच रायट दंगे फसाद कराने की कोशिश, क्या इस मंशा से ये प्लान रचा गया था? और खासकर पंजाब का रूट, खालिस्तान का रूट यूज किया जा रहा है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ऑपरेटिव है ये, हरविंदर रिंडा ISI के साथ मिल के काम कर रहा है, तो कश्मीर के रूट्स अगर टाइट हो गए तो क्या ये खालिस्तान का रूट अपना रहे हैं, पंजाब का रूट अपना रहे हैं देश के अंदर इस तरह से आतंक को फैलाने के लिए? आनंद जी देखिए बिल्कुल आनंद, न्यूज 18 ने सबसे पहले अभी खुलासा किया कुछ देर पहले जिसपे सरकारी मुहर लगी है कि इस पूरी घटना के पीछे जो रिंदा है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ ISI की सरपरस्ती में उसका हाथ है। और यही नहीं आनंद, अगर आप देखेंगे पंजाब में जो 4 बड़ी घटना हुई थी ब्लास्ट की, जिसमें एक नवा शहर की घटना थी, एक रोपड़ की घटना थी, लुधियाना में जो कोर्ट के अंदर ब्लास्ट हुआ था, इसके अलावा लुधियाना में एक और घटना और फिरोजपुर की, इसमें सीधे तौर पर रिंदा का नाम सामने आया था। और हाल में ही जो बुढ़ेल जेल है चंडीगढ़ की, काफी संवेदनशील जेल है, उसके बाहर जो RDX मिला था उस सिलसिले में कुलदीप और सनी से जब चंडीगढ़ पुलिस ने नवा शहर में जाके पूछताछ करी थी, जो टेररिस्ट था खालिस्तान का, उसने सीधे तौर पर ये बताया था कि वो फोन के जरिए पाकिस्तान में बैठे रिंदा से बात करता था। और कई ऐसे आउटफिट थे जिनका खुलासा हुआ था, यही वजह थी कि सेंट्रल एजेंसियां लोकल पुलिस के साथ, वहां की LIU के साथ और वहां की ATS के साथ लगा। आनंद जरा रुकिए, हरियाणा DGP हमारे साथ फोन पर है। नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये जो गिरफ्तारी हुई है बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि इनके पास IEDs बरामद हुए हैं जो कि पाकिस्तान से आए हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के ऑपरेटिव रिंडा का हाथ है इसमें? जी नमस्कार। नमस्ते, जरा जरा आज एक जॉइंट ऑपरेशन में हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक जॉइंट ऑपरेशन में ये चार जो आतंकवादी हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। बस्ताड़ा टोल प्लाजा करनाल में है, वहां से
और इस संदर्भ में एक केस जो है वो दर्ज किया गया है मधुबन पुलिस स्टेशन में। अभी इनसे 3 आईईडीज और एक पिस्टल और लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन जो है और पूछताछ चल रही है और आगे जो इनसे जो बातें और रिवील होंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इन्फॉर्मेशन मिली है अग्रवाल जी कि ये रिंडा मास्टरमाइंड है हरविंदर रिंडा बीकेआई का? जी, अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में ये बातें सामने आई हैं और डिटेल्ड इंटरोगेशन में और भी बातें सामने आएंगी जो और लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इनके और प्लान्स के बारे में, तो वो सारी चीजें जो है वो जो पूछताछ में आएंगी उस पर शेयर करके आपसी कोऑर्डिनेशन से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अग्रवाल जी, एक सवाल और है, एक प्रश्न और है, अगर आप थोड़ा समय दें कि ये इससे पहले जो आरडीएक्स की बरामदगी हुई है और आईडीएस की बरामदगी हुई है दिल्ली और पंजाब में, क्या ये उनसे भी जुड़े हुए हैं? ये अभी इस समय तो मैं ऑफ हैंड नहीं कह सकता, ये तो पूछताछ में ये जो बातें पता चलेंगी कि क्या उनका इनसे कोई कनेक्शन था या अलग से था, ये सारी बातें पूछताछ पे निर्भर करेंगे। जी, थैंक यू पीके अग्रवाल जी हमसे बात करने के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इसी तर्ज पर, इसी इनपुट पर, कि ये जो ये आतंकवादी जो पकड़े गए हैं, खालिस्तानी ऑपरेटिव जो पकड़े गए हैं 4, इन्हीं का हाथ था हरियाणा में जो ये संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। करनाल से 4 आतंकवादी जो गिरफ्तार हुए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, भारी मात्रा में विस्फोटक इनसे बरामद हुए हैं, 3 आईईडीज मिले हैं, पिस्तौल बरामद हुआ है, 30,000 रुपये नकद मिला है, लाइव कारतूस भी मिले हैं। गिरफ्तारी आतंकी मामले में भी इस वक्त एक बहुत बड़ा खुलासा है कि कई जगहों पर आरडीएक्स इन्होंने प्लांट किए थे दिल्ली और पंजाब के इलाकों में, जो आरडीएक्स की बरामदगी और आईडीज की बरामदगी हुई है हाल फिलहाल में हुई थी, और जहां एक विस्फोट हुआ था उसमें भी इनका हाथ था। ड्रोन के जरिए ये हथियार पहुँचाए गए भारत में, और वो भी फिरोजपुर के इलाके में, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन उड़ाकर फिरोजपुर में इनको गिराया गया। इन 4 आतंकियों में से 3 फिरोजपुर के हैं, 1 लुधियाना का रहने वाला है, लेकिन मास्टरमाइंड आईएसआई का पिट्ठू है, बब्बर खालसा का ऑपरेटिव है हरविंदर रिंडा, जो अभी पाकिस्तान में बैठकर ये साजिश यहां भारत के खिलाफ रच रहा है। आनंद तिवारी और चमन पलानिया इस वक्त हमारे साथ है। चमन, कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस कुछ कई सारे डिटेल्स निकले हैं, फोन पर इनकी रिंडा से रेगुलर बात होती थी, लेकिन इससे पहले जो आईडीज बरामद हुए हैं दिल्ली और पंजाब में, और एक आरडीएक्स के प्रयोग से जो विस्फोट कराया गया, क्या उसमें भी इनका हाथ है? सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये जो पाकिस्तान से जो रिंडा जो है इस तरह का जो ऑपरेशन जो है वो पहले से ही चला रहा था, क्योंकि जब लुधियाना कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था तो उसमें भी रिंडा का नाम सामने आया था, और चंडीगढ़ की जो बुढ़ैर जेल है उसमें कुछ दिन पहले भी जो है एक आरडीएक्स मिला था, तो उसमें भी जो है खालिस्तानी एंगल से वो रिंडा का जो कनेक्शन था वो उसमें सामने आया था। तो कहीं ना कहीं जितने भी जो पंजाब में सिलसिलेवार जो जो घटनाएं जो है जो आजकल जो बढ़ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है रिंडा जो वहां से पाकिस्तान से जो है जिस तरह का जिसका नेटवर्क जो है पूरी इंडिया में जो है वो भारत में जो है फैलाना चाहता है, ताकि भारत में जो है एक खालिस्तान की जो है मूवमेंट जो है उसको एक बार फिर से दी जाए, ताकि भारत के लोगों में जो है वो डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, और पाकिस्तान से बैठ के जो है रिंडा जो है जो भारत में जो के जो पंजाब सटे जो कुछ इलाके हैं वहाँ के जो जो लोग हैं उनको बरकलाया जाता है, और इस सारे काम में जो है उनको जो है वो आगे लाया जाता है। जो जो ये आज जो 3 आतंकवादी जो मिले हैं ये भी जो है जो भारत के सटे जो फिरोजपुर इलाके हैं वो 3 वहीं के हैं और एक लुधियाना का है, तो कहीं ना कहीं जितने भी जो गतिविधियां थी वो पाकिस्तान से बैठ के जो है जो खालिस्तानी और जो बब्बर खालसा के कुछ आतंकवादी हैं वो भारत में जो मूवमेंट है वो उसको जो है अपनी जो है एक कहे जाए तो भारत में जो है एक आनंद तिवारी भी हमारे साथ है। आनंद, अगर ये इतना गहन ऑपरेशन है और इतना कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है तो इनके रिडार पर कौन कौन सी जगहें थी? आदिलाबाद तक अगर ये पहुंच रहे हैं, नांदेड़ साहिब इनके रिडार पे था, तो फिर क्या इनकी बहुत बड़ी साजिश थी? ये तो बहुत बड़ा ही गहरा प्लान लग रहा है, खालिस्तानियों का प्रयोग किया जा रहा है देश भर में आतंक फैलाने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, एक लार्ज कॉन्स्पिरेसी है और उसको लेके सेंट्रल एजेंसियां लगातार इनपुट जो है वो स्टेट पुलिस को शेयर कर रही थी। जिस तरह से अभी हमने एक जानकारी शेयर करी है दर्शकों को कि सीधे तौर पर जहां जहां भी आरडीएक्स मिले हैं और वो आरडीएक्स ब्लास्ट नहीं हो पाए और उन्हें पहले ही एजेंसियों ने बरामद कर लिया, उन सबके पीछे कहीं ना कहीं खालिस्तानी आउटफिट पाकिस्तान आईएसआई का हाथ है। क्योंकि अगर हम
एनएसजी की बात करें, जितने भी आरडीएक्स को परीक्षण के लिए एनएसजी हेडक्वार्टर भेजा गया है, तमाम वहां के सीनियर अधिकारियों ने बोला था कि सबका पैटर्न, सबकी क्वांटिटी बिल्कुल एक जैसी, यानी कि एक ही पैटर्न पर ये आरडीएक्स आया गया है और उसे अलग अलग जगह प्लांट किया गया है। और जिस तरह से करनाल की घटना सामने आई है, उसमें सीधे तौर पर खालिस्तानी आतंकी रिंदा का नाम सामने आया। और इसके पहले भी अगर आप आनंद पीछे जाएं तो देखें, पंजाब में जितनी भी जगह पर दीपावली से लेकर बीच में अब तक लगातार आरडीएक्स की बरामदगी हुई है, और हाल में चंडीगढ़ में जिस तरह से आरडीएक्स मिला था और दिल्ली में दो जगह आरडीएक्स मिला था, उन सबका पैटर्न बिल्कुल एक जैसा था। तो ये बिल्कुल एजेंसियों को पूरा शक है कि सबके पीछे खालिस्तानी आउटफिट्स और पाकिस्तान आईएसआई है, जो भारत में लगातार अपने लड़कों के जरिए, स्लीपर सेल के जरिए आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। ये दिल्ली में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जा रहे थे इनको जब पकड़ा गया, आनंद क्या डिटेल्स है हमारे पास? जी देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश में आनंद जुट चुकी है, क्योंकि दिल्ली आने के संकेत मिले थे। जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने संकेत दिए हैं कि दिल्ली आने वाले थे, तो दिल्ली में क्या इनके कौन से हाइड आउट थे, क्या यहाँ पर भी ये कुछ आईडी प्लांट करना चाह रहे थे जिस तरह से इनके पास से जो विस्फोटक मिला है, या यहाँ पर केवल एक वो ट्रांजिट पॉइंट के लिए रुकना चाह गए और यहाँ से आगे रूट लेना चाह रहे थे, जिस तरह से अब महाराष्ट्र की बात सामने आ रही है और हैदराबाद की बात सामने आ रही है, तो इनके आगे के क्या क्या हाइड आउट थे, किस तरह से इन्हें इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, इनके पास से जो साजो सामान बरामद हुए, उन तमाम चीजों की पड़ताल जो है अब न केवल हरियाणा पुलिस, इसके अलावा जो एटीएस है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात की जाए या महाराष्ट्र एटीएस की बात की जाए, या तेलंगाना जो हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, वो तमाम एजेंसियां जो है अब एकजुट होकर इस पूरे मामले की कॉन्स्पिरेसी के तार जोड़ने की कोशिश करेंगी। जी चमन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें से जो चार आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से तीन फिरोजपुर के रहने वाले हैं, ये क्या हिस्ट्री शीटर्स हैं, क्या ये पहले से ही इस तरह के कामों में लगे हुए हैं? जी देखिए, अभी तक जो पुलिस की जांच हुई है उसमें अभी तक ये सामने नहीं आया था कि किस तरह से जो है ये जो है जो फिरोजपुर और लुधियाना से जो जो आतंकी पकड़े गए हैं, इनका अभी तक क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि अभी तक जो है इनकी पूरी पूछताछ की जा रही है, क्यों की जा रही है, उसमें ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई पुलिस के पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि इनका क्या बैकग्राउंड है और ये कब से इस काम में जुटे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये साफ हो पाया है कि जो फिरोजपुर का जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, वहीं पे जो है खेतों में जो जिस तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन के जरिए जो हथियार गिराए जाते हैं, आड़ी गिराई जाती है और गिराई जाती है, तो वहीं से जो है इनका जो है लोकेशन तक जो है पाकिस्तान से इनको भेजी जाती है, और वहीं से जो है ये पूरा जो ऑपरेट जो है जो भारत में जो ऑपरेशन है, जो किस तरह से कहां कहां पर ड्रग्स की सप्लाई हो या हथियारों की सप्लाई हो या जिस तरह से आरडीएक्स की सप्लाई हो, वो कहां कहां भेजनी है, वो एक लोकेशन जो है इनके मोबाइल पर भेजी जाती है, और उसके बाद जो है वो ये जो लोग हैं वो आगे जो है इस सारी खेप को जो है आगे पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अभी पूरी पूरे जो जो इस तरह का ये इनका जो नेक्सस है एक भारत में जो एक ही तरह से फैला हुआ है, उसको जो है पुलिस अभी ट्रेस करने में लगी है, और उसके बाद भी पुलिस बताएगी कि किस तरह से इनकी भी जो पिछला जो इनका बैकग्राउंड है वो क्या है, और इनकी और कोई मामलों में जो है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। चमन, ये जो गाड़ी मिली है, ये इनोवा गाड़ी, ये इनोवा गाड़ी किसकी है और इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ का है? पंजाब में फिरोजपुर का है कि लुधियाना का है? तो ये जो चार गिरफ्तार हुए हैं, गुरप्रीत, भूपेंद्र, अमनदीप और परविंदर, इनमें से गाड़ी कौन चला रहा था, ये गाड़ी किसकी है? जी देखिए, जो गाड़ी जो है वो अभी फिलहाल जो है गाड़ी की जो दिल्ली नंबर जो है रजिस्ट्रेशन बताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली नंबर जो इनोवा में जो इनोवा कार है इसमें दिल्ली नंबर का जो है नंबर प्लेट लगी हुई है, और पुलिस जो है जांच करने में लगी हुई है कि इन्होंने ये दिल्ली से किसी भेजी हुई थी या अपने नाम करवाया था। लेकिन अभी तक पुलिस इसमें सारी अभी तक पुलिस ने साफ नहीं किया है कि ये गाड़ी उन्होंने अपने नाम की थी या दिल्ली नंबर से ही ये गाड़ी चलाई जा रही है, तो दिल्ली नंबर जो है गाड़ी जो अभी बताई जा रही है। आनंद, का कुछ डिटेल्स हैं इसमें कि ये इनोवा गाड़ी किसकी है और ये गाड़ी कौन चला रहा था? जी देखिए आनंद, बिल्कुल इसकी तफ्तीश लगातार की जा रही है, और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं हरियाणा पुलिस के, वो इस समय इन तमाम आतंकियों से पूछताछ कर रहे हैं, और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आईबी की भी एक टीम जो है और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम भी है जो है वो इन आतंकवादियों से पूछताछ करने हरियाणा पहुंच सकती है, क्योंकि देखिए एक नेशनल बिल्कुल सुरक्षा से थ्रेट का मामला था, और जिस तरह से ये आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई और इनपुट्स भी जो है जिस तरह से खुद डीजीपी ने बोला कि सेंट्रल एजेंसी के साथ मिलकर हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो जाहिर तौर पर अब सेंट्रल एजेंसियां खुद इन आतंकवादियों से पूछताछ करेंगी,
और तमाम लिंक्स जो है उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और इसमें मैं कुंवर आपको अहम बात बता दूं कि अब इस पूरे मामले की जांच को लेकर जो पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस है उसने भी काफी अपनी तफ्तीश तेज कर दी, क्योंकि पंजाब के रहने वाले चारों आतंकवादी बताए जा रहे हैं और जिस तरह से हाल में अभी आरडीएक्स मिला था बुड़ेल जेल के बाहर, उस मामले की तफ्तीश भी काफी हद तक जो है वो सुलझती हुई नजर आ रही है और उसके पीछे भी पाकिस्तान आईएसआई का हाथ था। तो इन तमाम कड़ियों को जोड़कर अब तमाम एजेंसियां जो है वो देख रही है। जी, एक प्राइवेट गाड़ी को लेकर उसमें 3 IED और